हेलो एवरीवन अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वेरी वेलकम इन दिस सेशन और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं फिलर्स की और फिलर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो कई तरीक़ों से पूछे जाते हैं बैंकिंग एग्ज़ाम्स के अंदर बहुत सारी वैराइटीज और टाइप्स आपको देखने को मिलते हैं और उसमें आपके वकैब के एप्लीकेशन की समझ को वो टेस्ट करते हैं दैट हाउ टू अप्लाई द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वैबलरी तो आज के सेशन में हम करने वाले हैं कुछ 15 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस यहाँ पे और जहां पे आपको कॉन्टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई करना पड़ेगा यहां पे ठीक है गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन इज एवरीथिंग ऑल राइट हर्षित अभिनव भरत डू कंफर्म इन द कमेंट सेक्शन इज एवरीथिंग ऑल राइट सो आपको अपने आप से ये वादा करना है आज के सेशन में कि नहीं हमें ये पंद्रह के पंद्रह क्वेश्चन सही करने क्वेश्चन का लेवल इजी टू मॉडरेट है बट कोशिश ये करनी है कि आपके क्वेश्चन सही हों काम क्या करना है रीड आउट द सेंटेंस एंड ट्राई टू गेट द कॉन्टेक्स्ट तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं ना ये डेफिनेटली जो फिलर्स हैं वो कैब बेस्ड फिलर्स हैं बिकॉज बैंकिंग एग्जाम्स के अंदर आपको वो कैब बेस्ड फिलर्स ही मिलते हैं ज़्यादातर ग्रामर के ज्ञान को भी टेस्ट करते हैं बट वैसे नहीं करते जैसे कि एस के एग्जाम्स में करते हैं आप जानते हो और जब वो कैब बेस्ड फिलर्स आए तो हमारी सबसे बड़ा चैलेंज वहां पे वही है कि कैसे हम करेक्ट वर्ड को चूज करें तो बहुत बार सिनोनिमस वर्ड्स आ जाते हैं कि भाई सिमिलर मीनिंग के दो शब्द हैं तो उसमें आपको कॉनोटेशन देखना पड़ता है कि डू वी नीड अ पॉजिटिव वर्ड और अ नेगेटिव वर्ड फिर कॉलोकेशन भी कई बार आपको मदद करती है कि ब्लैंक प्लेस के आगे और पीछे कैसे शब्द लिखे हुए हैं प्रिसीडिंग एंड फॉलोइंग वर्ड्स और वो भी आपको हिंट देता है और तीसरा क्या है कॉन्टेक्स्ट तो यानी सेंटेंस को पढ़िए ट्राई टू गेट द कॉन्टेक्स्ट एंड ऑन दैट बेसिस आपको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है ट्राई टू गेट द कॉन्टेक्स्ट कि भाई किस कॉन्टेक्सट में मुझे वर्ड इस्तेमाल करना है ठीक है तो आज के सारे के सारे क्वेश्चन कॉन्टेक्स्ट बेस्ड हैं और मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको ले लू कॉन्टेक्सट को समझाने के लिए सो देट कि आपके ध्यान में रहे कि हम क्या बात कर रहे हैं अब जैसे आपके पास शब्द है वॉल्यूबल ठीक है आप बात करो गैरुलस की आप बात करो लोकेसियस की अब ये सारे के सारे शब्द स्पीकिंग से ही रिलेटेड है यानी किसी स्पीकर को अगर आपको डिस्क्राइब करना है किसी वक्ता को डिस्क्राइब करना है देन यू विल बी यूजिंग दीज वर्ड्स ठीक है

फ्लुएंसी का मतलब ही बिल्कुल अलग होता है आप जो अगर फ्लुएंट स्पीकर हैं तो आप बहुत तेज शब्दों का उच्चारण करते हैं यानी आपकी जो स्पीड है वो तेज होती है जब हम गैरुलस की बात करते हैं तो ये भी टॉकेटिव होता है और लोकेसियस भी टॉकेटिव होता है अगर किसी ने सिर्फ टॉकेटिव शब्द को समझा है और रट लिया कि इसका मतलब बातूनी होता है तो आप वहां पर फंस जाओगे मैं यही बात कर रहा था आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है किस कॉन्टेक्स्ट में हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो गैरुलस वो इंसान होता है जैसे आप हम यूज कर लेते हैं गैरुलस गैरुलस ओल्ड मैन ये एक एक्सप्रेशन यूज हो लेता है इंग्लिश में और खास तौर से ये उन वृद्ध व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल होता है जिनकी उम्र ज्यादा हो जाने की वजह से दिमागी तंत्र उतने सही नहीं रहते वो अपने कमरे में पड़े पड़े बड़बड़ाते रहते हैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप यूज़ करते हैं कि आप जो कुछ बोल रहे हैं लगातार यू आर जस्ट डूइंग प्रिटल प्रैटल जिसे हम कहते हैं यू आर जस्ट ब्लैबरिंग आउट बट देर इज़ नो सेंस ऑफ दैट सो so, यानी ज्यादा बोलना लेकिन उसका कोई मतलब ना निकलना इस तरह के स्पीकर को हम क्या कहते हैं दैट काइंड ऑफ पर्सन इज कॉल्ड स्पीकर राइट सो आप सीधे से कुछ के जरिए लाइक मोर स्पीकिंग बट लेस सेंस सेंस उसका बहुत कम निकलेगा जबकि अगर हम लोकेसियस की बात करें बहुत पुराना शब्द है हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड लोकेसियस भी टॉकेटिव होता है बट यहां पे इस्तेमाल किस कॉन्टेक्स्ट में होता है कि ट्रिवियल टॉकिंग में अगर आप इम्पोर्ट इंडल्स हैं ट्रिवियल टॉकिंग का मतलब क्या अनइम्पॉर्टेंट बातें यू आर जस्ट स्पीकिंग फॉर द हेक ऑफ स्पीकिंग बोलना है तो बोल रहे हो उस बात का कोई लॉजिक नहीं कोई सेंस नहीं है अब ऐसे अगर हम स्पीकिंग के शब्दों की बात करने लग जाए बहुत सारे शब्द हैं we have articulate inarticulate we have cogent speaker we have eloquent speaker we have vociferous speaker we have banal speaker to ab ab koi ye kahe ki sir sabhi vaktaon ke liye shabd hai vakta ke liye adjective hai but there are differences in terms of context वहीं कम बोलने वाले शब्द तो मैं कई बार बता चुका हूं खुद भी बोर हो चुका हूं बता बता के YouTube पे भी क्लासेस में भी लोकेसियस taciturn और रेटिसेंट uh, तीनों कम बोलते हैं बट अगर आप ये सिर्फ याद करके जाते हो कि तीनों का मतलब कम बोलना होता है सो दैट कुड बी डेंजरस बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट्स द डिफरेंसेस दीज वर्ड्स शेयर बिकॉज विदाउट नोइंग दैट यू विल नॉट बी अवेयर ऑफ द कॉन्टेक्सट और आप वहाँ पर फंस जाएंगे जैसे हमने बात की थी कि रेटिसेंट एक रिजर्व नेचर के इंसान के लिए बात इस्तेमाल होता है जो कि वैसे नॉर्मल बातचीत तो करता है फॉर्मल टॉक में कोई दिक्कत नहीं है इसको आप अगर एक रेटिसेंट इंसान के साथ काम करेंगे किसी ऑफिस में तो ऑफिशियल कम्युनिकेशन में देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल बट वेन इट कम्स टू देर पर्सनल हिज हर पर्सनल थिंग्स इमोशन फीलिंग्स थाट वो लोग आसानी से ओपन अप नहीं करते जिसको हम कहते हैं आइस ब्रेकिंग ईजिली नहीं होती इनके साथ लेकिन वहीं पे अगर आप बात करें लेकोनिक की तो यहाँ पे लेस स्पीकिंग है बट मोर सेंस है जो हम पुराने जमानों में लोग पत्र और चिट्ठियाँ लिखा करते थे तो उसमें लिखते थे थोड़ा लिखना ज़्यादा समझना तो वो वाला कॉन्टेक्स्ट है आपके लेकोनिक uh, के अंदर और ये एपोनिमस वर्ड है कभी बाद में चर्चा करेंगे इसके पीछे भी कहानी है और वहीं पे जो टैसीटर्न शब्द है ये इंसान कम्युनिक कन्वर्सेशन में कम्युनिकेशन में इंटरेस्टेड ही नहीं होता ये बात तो करना दूर की बात है ये बात सुनता भी ध्यान से नहीं है सुनने का नाटक जरूर कर सकता है तो ऐसे को हम टेसिटर्न स्पीकर बोलते हैं और टैसिट शब्द बहुत तरीक़ों से इस्तेमाल होता है टैसिट अंडरस्टैंडिंग जैसे वी यूज़ यू नो टैसिट अंडरस्टैंडिंग का मतलब बिना बोले ही दो लोगों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है स्पॉन्स बिना कुछ बोले ही सामने वाले ने रिस्पॉन्स दे दिया सो so, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कॉन्टेक्स्ट और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ कौन मददगार हो सकता है डिक्शनरीज इन्वेस्ट योर टाइम इन डिक्शनरीजर इट्स कैम्ब्रिज ऑक्सफर्ड मेरियम वेस्टर कॉलिस् डिक्शनरी यू नो मैकमिल्स तो जब आप एक वर्ड को दो से तीन डिक्शनरीज में देखते हो देन यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूसेज ऑफ दैट वर्ड डू नॉट गो फॉर द हिंदी मीनिंग ऑफ दीज इंग्लिश वर्ड्स दैट वुड बी प्रिटी डेंजरस हमारे पास वैसे ही वो कैब की हालत हमारी थोड़ी तगड़ी मतलब कमजोर है और कचरा ऑलरेडी भरा हुआ है तो हमें उस कचरे को साफ करना है और उसका सोर्स हमेशा एक स्टैंडर्ड सोर्स होना चाहिए किसी भी ऐप से पढ़ रहे हो किसी से रट के कोई बुक से पढ़ रहे हो हिंदी मीनिंग मैं आपको वही कहता हूँ स्टैंडर्ड से पढ़ो स्टैंडर्ड रिसोर्स पढ़ो तो से पढ़ोगे तो कम से कम आपके पास और कचरा डिपॉजिट तो नहीं होगा यू विल हैव द क्लैरिटी ऑफ द यूसेज ऑफ दैट वर्ड ठीक है अभी साढ़े तीन बजे करियर विल पे बैंकिंग स्पेशल इलेवन की क्लास थी तो हम वो कैब यूसेज के क्वेश्चंस कर रहे थे अब मैंने वहां पे एक शब्द डिस्कस किया क्या दो शब्द डिस्कस किए कंफ्यूजिंग वर्ड थे एक शब्द आया टर्जेड और एक शब्द आया टॉरिड अब ये शब्द कितने तरीकों से इस्तेमाल हो सकता है आप शायद डिक्शनरी देखने जाए आप डिक्शनरी अगर देखने जाए कि टॉरिड शब्द का क्या मतलब है तो टॉरिड ऐसे भी आ सकता है टॉरिड लव अफेयर टॉरिड लव अफेयर टॉयड का मतलब समथिंग दैट इज़ वेरी स्टीमी वेरी हॉट सो अगर उस तरह के स्टीमी रिलेशनशिप हैं या उस तरह का प्रोजेक्शन है तो वहाँ टॉरिड आ जाता है टॉरिड लव अफेयर जैसे हो गया टॉरिड का मतलब मतलब हॉट एंड ड्राई जैसे मौसम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो अप्रैल चल रहा है और इस समय जिस तरह का मौसम होने लगा है तो उसके लिए भी आप इस्तेमाल कर लेते हैं यानी मौसम के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है जो कुछ हॉट और ड्राई है और साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि टॉरिड लव अफेयर इसके लिए भी इस्तेमाल हो सकता है लिखने के लिए ऐसे टर्जिट की अगर आप बात करें तो टर्ज़िट स्टाइल ऑफ राइटिंग भी होती है लिखने में भी इस्तेमाल होता है कि अगर बहुत ही यू नो भारी भारी शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक आम आदमी को कई बार समझने में बड़ी मुश्किल आती है उसको वो कंटेंट बोरिंग लगने लगता है तो टर्जिट उस सेंस में भी यूज़ होता है और टर्जिट का एक मतलब जो सबको पता होता है कि भाई जैसे ठंड के दिनों में आपके अंगूठे जो है वो सूझ जाते हैं तो उनको हम टर्ज़िट टोज कहते हैं तो मैं आपसे बार बार यही गुजारिश करता हूँ कि वन वर्ड मे हैव मल्टीपल मीनिंग्स एंड दोज मीनिंग्स विल बी यूज इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट अगर आप बहुत जल्दबाजी में सिर्फ एक हिंदी मीनिंग रट करके आगे बढ़ जाओगे ना तो ये आपके लिए बड़ा डेंजरस है तो अब तो बड़े हो ही चुके हैं सारा धक्केमार वाला काम हो चुका है स्कूल कॉलेज जो भी था आपने अब हम अपने आप को काबिल बनाने के रास्ते पर हैं कि इस काबिल बनाएं कि एक नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन में अच्छा परफॉर्म करें एक अच्छी अच्छा जीवन जिये आपके पास एक अच्छा अच्छी नौकरी हो जिसके साथ आप अपनी लाइफ को लीड कर सकें तो उसके लिए थोड़ी वैल्यू एडिशन करनी पड़ेगी वो झटके मार और टिप्स और ट्रिक्स और शॉर्टकट और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट चैप्टर वाली पढ़ाई को लैंग्वेज की बात है यहाँ क्या है पूरी पूरी इंग्लिश जो है वो ग्रामर और वोकैब के ही ऊपर आधारित है और ग्रामर और वोकैब अगर अच्छी होगी तो लैंग्वेज की समझ अच्छी होगी यानी कॉम्प्रिहेंशन बेहतर होगी एज सिंपल एज दैट इफ समन इज़ फील यू नो अनकंफर्टेबल इन अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस मीन्स वट फंडामेंटल्स ऑफ ग्रामर इज नॉट क्लियर वो क्लियर उनके बेसिक्स क्लियर नहीं है या वो कैब की बात कर लें तो अगर आप एक शब्द के अलग अलग रंगों के बारे में नहीं जानते तो ऑथर कह कुछ और रहा होगा आप समझोगे कुछ और वो पहुंचा कुछ और रहा है आप लेके कुछ और जा रहे हो तो अगेन वहां पे फिर आपको कंटेंट समझ में नहीं आता तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ कॉन्टेक्स्ट की समझ को बेहतर करने के लिए तरीका क्या है इसके साथ और भी बहुत सारे शब्द आते हैं टॉर्पेड टर्बिड कभी बाद में फिर चर्चा करेंगे आइए विदाउट फर्दर लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन पहला क्वेश्चन आपके सामने है हेल द कॉर्न फील्ड एंटिल द इंटायर क्रॉप वॉज लॉस्ट क्या है कॉन्टेक्स्ट यहां पे? कि भाई जो हेल स्टार में जो ओले पड़े हैं ना उन्होंने पूरी फसल को बर्बाद कर दिया अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द सही है बताओ किसके साथ जा रहे हो आप टाइम इज क्वेश्चन के लिए इतना समय बहुत पर्याप्त है देखिए क्वेश्चन में एग्जाम के अंदर आपसे बात करता हूँ यू नीड टू इंप्रूव दर्ट ऑफ एलिमिनेशन एलिमिनेशन का अप्रोच आपने अप्लाई करना कि ये नहीं होगा ये नहीं होगा ये नहीं होगा तो जो होगा वहां पे पहुंच जाओगे बी लिटिल करने का मतलब आपको बताया किसी को नीचा दिखाना छोटा दिखाना बड़े सारे शब्द आते हैं हमारे पास किसी को डिस्पैरेज करना डेप्रिकेट करना लॉड ऑफ वर्ड वी है ये तो कोई यहां पे कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है उसका रिव्यू का मतलब भी डांट फटकार होता है बहुत ही बेसिक शब्द है और कमेंडेड अगर आपने किसी की परफॉर्मेंस को कमेंड किया यानी तारीफ करी है सो जस्ट बाय द सेंस ऑफ अप्रोच ऑफ एलिमिनेशन और कॉमन सेंस आप आसानी से बी ऑप्शन को टिक करके जाओगे तो भले ही हो सकता है कि पमिल शब्द का मतलब आपको नहीं पता तो राधर देन ये सोचने की यार मुझे ये तो पहली बार वर्ड दिखाई दे रहा है आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस वर्ड आप डर गए आप कैसे होगा क्वेश्चन एप्टीट्यूड की टेस्टिंग हो रही है मानसिक योग्यता परीक्षा है तो मानसिक योग्यता हमें यहाँ पे दिखानी होती है एलिमिनेशन के जरिए आप यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन पे पहुंच चुके हैं और पमेल का मतलब ही वही होता है कि मतलब आ, कोई चीज़ स्ट्राइक कर रही है तो जाहिर तौर पर ओले गिरेंगे तो फसल तबाह हो जाएंगे कोई आपको मुक्केबाजी कर रहा है उसके लिए भी पमेल आ जाता है द पर्सन इज काइंड ऑफ स्ट्राइकिंग रिपीटेडली पमेल का इस्तेमाल जैसे मैंने कहा कि एक वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं तो स्ट्राइक वाला तो मीनिंग है ही है इसका लेकिन जब आप किसी को सीवियरली क्रिटिसाइज भी करते हो तो वहां पे भी पॉमल का इस्तेमाल होता है अगर आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो इसीलिए एक वर्ड के अलग अलग हाँ यूसेज आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं द अर्थ डे कॉमिटी लीडर प्लेस लार्ज गार्बेज बीन इन पार्क टू सैटरडे क्लीन अप क्या लग रहा है वेरी गुड सुमित भारत सपना हर्षित सब लोग अटेम्प्ट करें और सही करने की जैसे मैंने कहा कि आपका अपने से वादा होना चाहिए कि मैं बिल्कुल सही करने वाला हूं सारे क्वेश्चंस, आज एसएससी का रिजल्ट भी आया है लगातार मैसेजेस आ रहे हैं सारे के सारे शब्द बहुत आसान सो द अर्थ डे कमिटी लीडर प्लेस्ड लार्ज गार्बेज बीन्स इन द पार्क टू फैसिलिटेट सैटरडेज क्लीन अप यानी सैटरडे की जो सफाई का कार्यक्रम था उसको फैसिलिटेट करने के लिए राइट right? उसको फैसिलिटेट करने के लिए अब देखो यहाँ पे एक कन्फ्यूजिंग वर्ड आता है फेलिसिटेट बहुत सारे लोग दोनों वर्ड्स में कन्फ्यूज करते हैं तो ये ध्यान में रखना है ये फेलिसिटेट वर्ब से ही आपके पास नाउन आता है फेलिसिटेशन लाइक वी यूज द वर्ड फेलिसिटेशन सेरेमनी जिसको आप कहते हो सम्मान समारोह फेलिसिटेशन सेरेमनी तो किसी को फेलिसिटेट करना और फैसिलिटेट कर फैसिलिटी क्या होती है भाई सुविधा होती है तो आप अगर किसी चीज़ को फैसिलिटेट कर रहे हैं यानी उस काम को आसान बना रहे हैं तो ये जो नेता जी हैं यहाँ पे अर्थ डे कमेटी के जो लीडर हैं उन्होंने लार्ज गार्बेज बिन्स रखे हैं कि जो सैटरडे की का सफाई का कार्यक्रम है उस कचरे को डालने में आसानी रहेगी तो यहाँ पे फैसिलिटेट करेक्ट वर्ड है इंटीग्रेट आप जानते हैं आसान सा शब्द है पैसिफाई के लिए कौन सा रूट वर्ड है कई बार चर्चा हुई है द रूट वर्ड इज ब्लैक placable plac ka matlab hi hota hai to appease or pacify lot of words we have placid personality placebo effect medical mein use hota hai placid personality complacent kitne sare shabd hain right? placidity बन जाएगा वहीं से वहीं से आपके पास implacable आ जाएगा जिसको आप शांत नहीं कर सकते ठीक है वहीं से प्लेकेटरी मूव होता है यानी जब कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है आपके विरोध में है तो उसको शांत करने के लिए आप जो भी कुछ करते हैं वो आपका एक आप प्लेकेटरी मूव्स लेते हैं और कन्फाउंड करने का मतलब क्या इफ यू आर फीलिंग कन्फाउंडेड मतलब आप पर एक तरह से कन्फ्यूज है आपको समझ नहीं आ रहा आपको क्या करना है बट देखो ये मैं जो बार बार आपको कहता हूं अब ये शब्द कैसे कन्फ्यूज से अलग है कन्फाउंडेड आप तब फील करते हो ना कि जैसे आपका किसी चीज से कुछ खास एक्सपेक्टेशन हो कि भाई इस तरह का कुछ आउटकम आएगा इस घटना के से लेकिन वैसा बिल्कुल ना है तो जब आपकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार चीजें ना हो तो फिर आपको समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूं दैट काइंड ऑफ सिचुएशन इज कॉल्ड कन्फाउंडेड लाइक यू आर फीलिंग एब्सुल्यूटली अस्टॉनिस्ड यू आर फीलिंग अ काइंड ऑफ टेकन अबैक वॉट हैपन यार अब मैं क्या करूं ये तो ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था सो इन दैट काइंड ऑफ कॉन्टेक्सट यू यूज द वर्ड कन्फाउंड ऑलवेज गो विद डिटेलिंग

वर्ड्स लाइक कॉम्प्रीहेंसिव एंड कॉम्प्रीहेंशन इवन मेरा कॉम्प्रिहेंशन स्पेशल बैच जो आता है करियर वे लाइफ प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे लोग इसको कॉम्प्रिहेंसिव बैच बोलते हैं तो आज इस चीज को जरा क्लियर कर लें अगर आपको यह कंफ्यूजन है देखिए कॉम्प्रिहेंशन जो शब्द है ना कॉम्प्रिहेंशन द ग्रामेटिकल प्रोफाइल ऑफ दिस वर्ड इज नाउन देन द अदर वर्ड इज कॉम्प्रिहेंड अगर आप कोई चीज कॉम्प्रिहेंड करते हैं तो ये वर्ब है अगर शब्द है कॉम्प्रिहेंसिबल कॉम्प्रसिबल इफिक से इसका मतलब योग्य होता है यानी विच कैन बी कॉम्प्रिहेंडेड जिसको समझा जा सके वो कॉम्प्रिहेंसिबल है और फिर शब्द आ जाता है कॉम्प्रिहेंसिव सो so अगर आप एक कोई कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी कर रहे हैं ये भी एडजेक्टिव है लेकिन इसका क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है डिटेल्ड डिटेल्ड जब आप एक जास्टिव स्टडी कर रहे हो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी कर रहे हो सो वेन यू आर गिविंग अ कॉम्प्रिहेंसिव डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी वन मीनस वॉट

भाई शिकार करने के जो इलीगल शिकार होता है उसी को पूछिंग कहते हैं तो अगर आप एलिफेंट्स uh, की हत्या कर रहे हैं नॉट ओनली इन ये सिर्फ स्पीसीज को खतरे में नहीं डालेगा जबकि बैलेंस ऑफ नेचर को भी अपसेट करेगा तो यहां ना तो प्रोवोक करने की बात है ना कंट्राइव करने की बात है और ना तो हिंडर करने की बात है हिंडर करने के लिए का मतलब क्या होता है रुकावट पैदा करना एक शब्द आता है थॉल्टिंग एक शब्द आता है गोल्फ के गेम से स्टाइमिंग एस टी वाई एम आई आप इन वर्ड्स के ऊपर थोड़ा काम करिएगा होमवर्क करिएगा और प्लीज कमेंट सेक्शन में सेंटेंसेस भी बनाइएगा तो थोड़ा एक लर्निंग का एटमोसफियर इस चैनल पे शुरू होगा नया नया चैनल है आपके थोड़े सपोर्ट की आवश्यकता है यहाँ चलिए द टीचर पुट द क्रियान्स ऑन द बॉटम सेल्फ टू मेक दैम टू यंग चिल्ड्रेन एक्सेसिबल रिसेप्टिव इलोक्ट एंड एम्बिग्यूस आई थिंक कॉन्टेक्सट आपको साफ साफ समझ आ रहा है कि टीचर ने बॉटम सेल्फ पे कोई चीज रखी है और किस लिए रखी है कि भाई यंग बच्चों को आसानी से मिल जाए सबसे नीचे वाले शेल्फ पे तो एक्सेसिबल के अलावा कुछ और हो सकता है क्या नहीं हो सकता रिसेप्टिव कौन है आप लोग जो अच्छे से बातों को सुने रिसेप्शन जिसका अच्छा हो वो रिसेप्टिव होता है इलोक्वेंट स्पीकर कौन होता है और मुझे बताएं आप इलोक्वेंट और कोजेंट स्पीकर में क्या फर्क है दोनों के दोनों की अगर हम बात करें चाहे इलोक्वेंट हो या कोजेंट हो ये दोनों स्पीकर कन्विंसिंग स्पीकर होते हैं कन्विंसिंग या इफेक्टिव स्पीकर जिन्हें आप कहते हैं दोनों होते हैं बट दोनों का तरीका रास्ता अलग अलग है थोड़ा अगर आप बात करें कोजेंट इंसान की तो कोजेंट इंसान जो है वो अपनी ऑब्जेक्टिविटी की वजह से कन्विंसिंग होता है लॉजिकल होता है बिल्कुल टू द पॉइंट बात करता है तो सामने वाले को वो लगता है कन्विंसिंग और इलोक्वेंट इंसान अपनी सब्जेक्टिविटी की वजह से यानी वो जिस तरह से पूरा एक माहौल क्रिएट करता है और आपको लगता है क्या बात है यार क्या माहौल क्रिएट किया बड़ा ही इफेक्टिव है कम्युनिकेशन में और एम का मतलब बोथ होता है अगर कहीं भी एम है कोई चीज एम टू गर मोर देन टू इंटरप्रिटेशन एटलीस्ट टू इंटरप्रिटेशन एम बी बोथ माई कंप्यूटर वॉज स्टेट ऑफ द आर्ट वेन आई वॉट इट थ्री बट नाउ इट इज बहुत आसान सा क्वेश्चन है तीन साल पहले जब कंप्यूटर खरीदा था तब तो स्टेट ऑफ द आर्ट था बहुत बढ़िया था लेकिन अभी कैसा है ये कोई भी जो आप इलेक्ट्रॉनिक uh, डिवाइस लेते हैं गैजेट लेते हैं वो कुछ समय के बाद क्या हो जाता है भाई दैट बिकम्स आउट मोडेड आउट ऑफ फैशन आउटडेटेड और कुछ नहीं होगा यहाँ पे रेट्रो का मतलब क्या होता है पास्ट आप जानते हैं रेट्रो गाने रेट्रो एक्टिव फ्लैमेबल ज्वलनशील होता कोई लेना देना नहीं है इसका uh, एक और सवाल यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगा ये दो शब्दों में क्या फर्क है इनफ्लैमेबल इनफ्लैमेबल एंड इनफ्लेमेटरी, एनी वन टेल मी वॉट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड कौन बता रहा है कॉमेंट सेक्शन में शब्द देखते ही मेरा मन मचल जाता है कि भाई आपको पूछ ही लो मैं क्या फर्क है दोनों शब्दों में डेजोलेट तो पता है ना डेजोलेट पॉजिटिव शब्द है कि नेगेटिव है भाई कोई डेजोलेटेड लैंड है जैसे कहते हैं बैरन लैंड तो एक तो लैंड के लिए जमीन के लिए भूभाग के लिए आप इस्तेमाल कर लेते हो वैसे ही किसी इंसान की भी जिंदगी अगर उजड़ी उजड़ी सी है राइट बहुत ही ग्लूमी अंधकार में फुल ऑफ सैडनेस मेलंकली एंड ऑल तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी आप डेजोलेटेड यूज कर सकते हैं कोई इंसान अगर बड़ा जिंदगी में उखड़ा उखड़ा फील कर रहा है देखिए इन इनफ्लैमेबल सब्सटेंस होता है आप देखते हो हाईवेज पे चलते हो जो टैंकर्स होते हैं जिनमें एलपीजी या कोई भी ज्वलनशील पदार्थ होता है लिखा होता है इन इनफ्लैमेबल सब्सटेंस तो हमेशा जैसे मैं आपको बार बार कहता हूं ऑलवेज ट्राई टू लर्न विद द फ्रेजेस कॉलोकेशन अगर आपने इन इनफ्लैमेबल सब्सटेंस आज याद कर लिया और इनफ्लैमेटरी स्पीच याद कर लिया दिमाग में बिठा लिया क्योंकि ये बैठ जाएगा आपको कनेक्शन और एसोसिएशन मिल रहा है तो जिंदगी भर ये कन्फ्यूजन आपको नहीं होगी जो भड़काऊ भाषण होते हैं राइट जो प्रोवोकेटिव होते हैं इंसाइटिंग स्पीचेज होते हैं वो सिफरस एक््रीमोनियस स्पीचे होती हैं जो बिटरनेस से भरी हुई सामने वाले को भड़काने के लिए सो so, उनको हम इनफ्लैमेटरी स्पीच कहते हैं और इन्फ्लैमेबल सब्सटेंस हो जाएगा आइए आगे, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ विजिटिंग ऑल द कॉफी शॉप्स इन द सिटी दे वर यानी आपको ग्रामर से कोई मदद नहीं दी जा रही कि आप आर्टिकल के बेसिस पे चूज कर लें बट आपकी कॉमन सेंस को वो टेस्ट कर रहे हैं टू फाइंड द परफेक्ट कप ऑफ कॉफी सो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर क्वेस्ट क्वेस्ट का मतलब ही सर्च होता है दर्ज का मतलब तो अलग होता है कोई चीज ऊपर जा रही यहां हम सर्च की बात कर रहे हैं सो विजिटिंग ऑल द कॉफी शॉप इन दिटी देवर ऑन अ क्वेस्ट टू फाइंड द परफेक्ट कप ऑफ कॉफी कि जितने भी कॉफी के आउटलेट्स हैं हर जगह आप जा रहे हो कि भाई सबसे अच्छी कॉफी जो है वो कहां मिलती है तो आप सर्च अभियान पे हैं राइट बाकी के सारे शब्द आसान द वर्ड कैडेंस का क्या मतलब है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कैडेंस कहां पे इस्तेमाल होता है म्यूजिक से प्यार कितने लोग रखते हैं उन्होंने जरूर सुना होगा जो रिदम होती है ना म्यूजिक की ऊपर नीचे वाली वो उसको कहा जाता है कैडेंस गाना जो मीटर जो शब्द इस्तेमाल होता है गाने को मीटर में डालो कैडेंस रिदम अब उसमें क्या पर्टिकुलर है वो थोड़ा जाकर के आप देखोगे बट म्यूजिक से ही रिलेटेड होती है वही आवाज का जो ऊपर नीचे जाने की प्रक्रिया है सुर ताल जो भी है आ, टेम्पो आप शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं गाना हायर टेम्पो में है लोअर टेम्पो में है कैसे ऊपर नीचे जा रहा है जो नोट्स की सीक्वेंस होती है उसके लिए इस्तेमाल होता है जॉर्ज प्लान टू द एक्स्ट्रा मनी ही नीडेड टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस अब आप देखो यहां पे आपको मदद मिल रही है बट एन uh, लगा हुआ है आर्टिकल like, like, so, लाइक आपके पास नहीं है ऐसे लेकिन प्लान कैसा होगा प्लान एलिटिस्ट होगा क्या प्लान एलिटिस्ट नहीं होता एलिटिस्ट मेंटेलिटी हो सकती है या जो लोग एलिटिज्म में बिलीव करते हैं अगर वो इेशनल प्लान बनाएगा तो वो पैसा कैसे निकालेगा मतलब ये तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है बिल्कुल अलूफ प्लान का क्या मतलब होता है प्लान के साथ अलूफ जाएगा ही नहीं कॉलोकेशन वाइज कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इंजीनियस जो है वो करेक्ट यहां पे वर्ड है इंजीनियस का मतलब ही होता है जो आदमी बड़ा ही रिसोर्सफुल हो जो बड़ा इन्वेंटिव हो जो जीनियस के साथ मतलब आप इसको ध्यान में रख सकते हैं तो जीनियस की स्पेलिंग थोड़ी से अलग होती है उसमें ओ नहीं आता बट आपको याद रखने के लिए इंजीनियस इज अ पर्सन हु इज़ प्रटी इन्वेंटिव जो प्रेशराइज सिचुएशन में भी इसका दिमाग काम करता है जो बड़ा रिसोर्सफुल होता है जो चीज़ों के बारे में सोच सकता है कर सकता है तो उसको हम इनजीनियस बोलते हैं एंड देर इज़ अ वर्ड इन जेन्युअस वॉट्स द डिफरेंस इन जेनुअस का मतलब क्या होता है जो आदमी बड़ा जेनुन हो अब देखो जेनुन की स्पेलिंग में जी ई एन यू आता है ना तो उसके सहारे आप इसको याद रख सकते हैं इंजेन पर्सन इज प्रिटी जेनुइन वेरी सिंपल नाइव उस कॉन्टेक्ट में हम यूज करते हैं जबकि इन्वेंटिव आदमी का दिमाग थोड़ा तेज चलता है और होता है स्वदेशी वो जानते हैं आप वी न्यू एवरीबर ऑफ अवर ग्रुप वेरी एक्सप्रेसिव ब्राश रिजर्वड एंड इगोटिस्टिकल तो भाई वी न्यू एवरीथिंग अबाउट द न्यूएस्ट मेंबर टीम के uh, मतलब उस ग्रुप के नए मेंबर के बारे में हम सब कुछ जानते हैं तो कैसे जानोगे वो मेबर कैसा होगा कि लोग उसके बारे में बहुत ही कम समय में सब कुछ जान जाएंगे बताइए वेरी गुड करेक्ट ऑप्शन इज हर्षित आकांक्षा सपना एम्बिगटी किसके साइनों पूछ रहे हो सपना आप वेरी गुड हर्ष दैट इज एक्सप्रेसिव ओनली आकांक्षा सुमित सब करेक्ट है अब देखो मैं अगर आपको पूछूँ ब्रैश वर्ड कैसा है ब्रैश इज पॉजिटिव और नेगेटिव तो थोड़ा फीलिंग तो आप आपको आ रही होगी ना ब्रैश एटीट्यूड ब्रैश जो बड़ा ही आउट स्पोकन और थोड़ा आउट स्पोकन में कोई दिक्कत नहीं है जैसे हम कहते हैं ना विनम्रता और दीनता में अंतर या आपके कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत ही थिन लाइन ऑफ डिफरेंस होता है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं तो वैसे ही ये भी है कि आप बहुत ही सेल्फ असर्टिव हो बहुत ही आउट स्पोकन हो बट आप थोड़े से रूड लगते हो राइट right. तो वो रूडनेस वाली बात आ गई तो ऐसे एक्सप्रेसिव इंसान को ही सभी लोग जानेंगे जो अच्छे से एक्सप्रेस करे रिजर्व का तो खैर कोई स्कोप ही नहीं है इसका भी नहीं है और इगोटि और इगोइटिकल में क्या फर्क है कौन बताएगा मुझे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईगोइस्ट एंड ईगोटिस्ट जी सो इगोइस्ट इज द पर्सन यू डू नो ईगो का मतलब आई होता ही अपने आप में रूट वर्ड है मैं और जो ईगोइस्ट इंसान है वो हमेशा अपने बेहतरी के लिए

अपने एडवांसमेंट के बारे में अपनी बेहतरी के बारे में ही इंटरेस्टेड हो जबकि ईगो टेस्ट में ये एक्स्ट्रा जो टी है ये टेल की तरफ आपको इशारा करता है जो लोग ब्रैगर होते हैं बोस्टर होते हैं शेखी बघारने वाले लोग उनको ईगोटिस्ट कहा जाता है मैं ये मैं वो मैं ऐसा मेरा मेरी प्रॉपर्टी मेरा घर मेरे पिता मेरी गाड़ी ये वाले मैं 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 मैं, मैं, मैं। यो दीज पीपल आर कॉल्ड ईगो तो कभी भी इन शब्दों का ना गलत हम कई बार गलत तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं बट ये क्लैरिटी होनी चाहिए आप एप्टीट्यूड एग्जाम्स के हैं आई हैव ऑलवेज लाइक यूर पॉजिटिव आवर वर्किंग रिलेशनशिप एडवर्सली वो फुल कैंडिडली एंड फेवरेबली सो यू नीड एन एडवर हियर अफेक्टेड यहां पे वर्ब है आपको एडवर्ब चाहिए किसके साथ जा रहे हो हा हा हां जी भाई थोड़ा लाइक और शेयर कर दिया करो मैं बोलता नहीं हूँ बट ये आपकी ज़िम्मेदारी है ठीक है आपके जो भी ग्रुप्स हैं जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं चीज़ों को शेयर करिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन चीज़ों की ज़रूरत होती है ठीक है आप ही लोग ब्रांड एम्बेसडर हैं भाई कैसा अफेक्ट करेगा जब साहब ने पीछे ही लिख दिया कि आई हैव लाइक्ड योर पॉजिटिव एटीट्यूड और ये क्या कर रहा है हमारे वर्किंग रिलेशनशिप को कैसे अफेक्ट करेगा फेवरेबली भी तो करेगा भाई कोई भी चीज़ फेवरेबली है इसका मतलब जैसा होना चाहिए आपके फेवर में वैसा ही है तो एडवर्सली नेगेटिव हो गया वो फुली नेगेटिव हो गया ये दोनों वर्ड नेगेटिव हैं कैंडिडली का कॉन्टेक्स्ट यहां पे ही नहीं है कैंडिडली अफेक्टेड का नहीं कैंडिड का मतलब क्या विदाउट एनी बिल्कुल कैंडिड कॉन्वर्सेशन तो फेवरेबली आएगा डॉग सिटिंग फॉर बडी इज इजी ही इज अ एंड ओबीडियंट पेट क्या लग रहा है डिलेक्टेबल ट्राइट मेडल सम एंड एंडसाइल शायद हमने बात करी थी ना अभी पीछे इस वर्ड की डिलेक्टेबल ट्राइट मेडल सम docile, ओबीडियंट के साथ देखो कौन सा वर्ड जाना चाहिए ओबीडियंट एंड के बाद लिखा है इसका मतलब एंड से पहले ओबीडियंट जैसा ही शब्द चाहिए आपको चारों ऑप्शन में से देखो आप कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग की कौन सा ऐसा वर्ड है जो ओबीडियंट के साथ जाएगा हां जी बहुत अच्छे हर्षित धनंजय सुमित मैं देख रहा हूं आपके कमेंट्स बहुत अच्छे और भी दे दो करेक्ट कॉन्फिडेंट रखो अपने आंसर पे वेरी गुड सपना सो दैट इज द डी ऑप्शन डोसाइल आपको पता है डॉक रूट वर्ड है डोसाइल का मतलब क्या होता है हु कैन बी यू नो इजिली टॉट वेरी रिसेप्टिव इन नेचर राइट right, ओबिडिएंट है रिसेप्टिव है आपकी बात सुनेगा वही शब्द यहाँ पे सही होगा वेरी गुड मनीष डिलेक्टेबल क्या होता है डिलेक्टेबल का मतलब होता है डिलीशियस याद रखिए जो बड़ा स्वादिष्ट हो ट्राइट का मतलब जो चीज़ हैकनीड हो ओवर यूज जिसे हम कहते हैं जो क्लीशेड एक्सप्रेशन होते हैं बड़े सारे शब्द इसके लिए आते हैं क्लीशेड ओवर यूज ट्राइट एडिज मैक्सिम आप थोड़ा डिक्शनरी पर समय खर्च करेंगे और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि इन वर्ड्स में क्या फर्क है मैक्सिम मेडलसम यू डू नो मेडलिंग का मतलब क्या होता है भाई? इंटरफेरेंस क्रिएट करना इंटरफेयर करना एम ई डी एल मेडल पदक है और ये वर्ब है मेडलिंग सो मेडलसम का मतलब वही है जिसको मेडलिंग पसंद हो हस्तक्षेप किसी के दूसरे के काम में हस्तक्षेप कर रहा है द डायरेक्शन टू द न्यू स्कूल वर्ड एंड आई फॉर क्लास तो कैसा है डायरेक्शन प्रोविडेंट है आर्डियस है एक्सप्लिसिट है और एम्बॉडीड है आई थिंक कॉन्टेक्स्ट के आधार पे बहुत इजीली आप करेक्ट ऑप्शन पे पहुंच सकते हो आपके लिए एक हिंट है कि ये वर्ड का इस्तेमाल मैथमेटिक्स में भी होता है प्रोविडेंट फंड भविष्य निधि आरडीओस का क्या मतलब होता कोई कास्ट अगर कोई टास्क आपका आरडीओस टास्क यानी वो आपसे बहुत मेहनत की मांग करता बहुत है बहुत टायरिंग है थकाऊ है एक्सप्लिसिट यहां पे करेक्ट वर्ड है मैथ्स में मैंने इसीलिए सारा इशारा किया आपको कि एक्सप्लिसिट एक्सप्लिसिट और होते हैं तो का मतलब ही होता है वेरी क्लियर और इम्प्लिसिट में क्लैरिटी नहीं होती है तो जो डायरेक्शन थे वो बहुत क्लियर थे और इसीलिए समय रहते क्लास में पहुंचने में क्लास को पाने में इन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई इफ यू ड्रिंकिंग वाटर इज नॉट इट कुड कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स इफ़ योर ड्रिंकिंग वाटर इज नॉट वैलिड इज नॉट क्वेंचेबल इज नॉट इंडिग्नेंट इज नॉट पॉर्टेबल आई थिंक इट्स प्रेटी ईजी पानी कैसा होता है पोर्टेबल वाटर होता है जो पीने वाला पानी है ड्रिंकिंग वाटर है तो वही लिखा गया है कि अगर आपका ड्रिंकिंग वाटर जो है वो पोर्टेबल नहीं है तो ये बहुत सारी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है इंडिग्नेंट का मतलब क्या होता है हाँ जी अगर आप किसी चीज़ को लेकर के इंडिग्नेंट हैं यानी आप उस चीज़ को लेकर के एंग्री हैं नाराज़ हैं लेकिन एंग्री बिकॉज ऑफ वॉट क्या कारण होता है एंग्री ड्यू टू अनफेयरनेस यानी कहीं पर अगर कोई चीज अनफेयर हो रही है और उसकी वजह से आप नाराज हैं तो वहां पर जो राइट शब्द इस्तेमाल होता है वो इंडिग्नेंट वैलिड और क्वेंचेबल क्वेंचेबल क्या है जो प्यास बुझा दे सो दैट इज डोसाइल का साइनो बोवाइन हो सकता है क्या हो सकता है बिल्कुल हो सकता है बोवीन जो शब्द है उसका लिटरल मतलब होता है काउलाइक। डोसाइल इंसान बहुत जेंटल होता है और बोवीन को भी हम कहते हैं ना बहुत गऊ आदमी है तो समेरी जेंटल उसे बोवीन कह सकते हैं वेरी गुड सपना द न्यू बोर्ड मेंबर सेट शी वुड वोट इन फेवर ऑफ द प्रपोज सिटी ऑर्डिनेस बिकॉज दट मेनी ऑफ द पॉइंट डिस्कस अर्यर दिस इनकम पास released reminisced and dispersed the new board member said she would vote in favor of the proposed city ordinance because it encompassed many of the points encompassing का क्या मतलब होता है जो अपने अंदर include करे तो context पढ़ के आपको तुरंत समझ आ जाता है it encompassed many points discussed earlier this year ना तो released है ना reminisced है और ना तो हम यहां पे disperse करने की बात कर रहे हैं disperse और disburse में कंफ्यूज मत होना disbursal ऑफ लोन होता है

तो क्या चाहते हैं इससे थोड़ा सा लेवल अप किया जाए वन ब्लैंक प्लेस का ही क्वेश्चन लाऊं कि टू ब्लैंक्स का ले आऊं अगली क्लास में व्हाट डू यू से दो ब्लैंक्स के ले के आऊँ उसका अप्रोच थोड़ा अलग होता है और मजेदार होता है मतलब सिंगल ब्लैंक में तो अगर आपको मतलब नहीं पता तो शायद थोड़ी परेशानी भी होती है बट दीज क्वेश्चन वर प्रटी ईजी ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं थे uh, बस आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया आपको स्कोर कार्ड आप अपना बता सकते हैं पंद्रह में कितना हुआ कॉमेंट सेक्शन में दस करेक्ट थे सर चलिए बहुत अच्छी बात है और होने चाहिए थे लेकिन जितना है वो अच्छा है और जो गैप है वो आपको फिल करना पड़ेगा ठीक है तो थोड़ा सा अप लेवल चाहते हैं इसका पीओ मेंस लेवल का चाहिए सुमित को मेंस के लेवल का क्वेश्चन ओके चलिए तो नंबर ऑफ ब्लैंक प्लेसेस अगली बार बढ़ेंगे थोड़े से और फिर वहां पे हम अप्रोच सीखेंगे कि किस तरीके से मेंस के क्वेश्चन करने हैं अगला जो बैच है वो भी जो हमारा बैंकिंग अचीवर्स बैच है यानी कंप्लीट बैच जिसमें पांचों एरियाज कवर होते हैं जो ऐसे ही पढ़ाया जाता है जैसे यहाँ पढ़ा रहा हूँ मैं यानी बाई बैचेस दैट इज़ नॉट इन इंग्लिश मीडियम वो तो सिर्फ एक बैच आया था लास्ट मंथ तो उस तरह का बैच फिर आ रहा है और आपको पता है कि नोटिफिकेशन आने के पूरे चांसेस हैं बाय द एंड ऑफ दिस मंथ और बैंकिंग का नोटिफिकेशन अलग अलग एग्जाम्स के पूरे साल चलते रहते हैं तो हमें कभी भी अपॉर्चुनिटी लूज़ नहीं करनी है ठीक है तो उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे तो 18 तारीख से एटीनथ अप्रैल से नेक्स्ट बैच जो है वो स्टार्ट होगा और बाकी डिटेल्स आपको इस चैनल पर बाकी मेरे भी प्लेटफॉर्म्स पर सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बिल्कुल जल्द मिल जाएगी ठीक है धनंजय की इंग्लिश ग्रामर बहुत लूज़ है तो भाई धनंजय उसके लिए आ, आपके पास वी की अवेलेबिलिटी है मेरे फाउंडेशन बैच की आराम से ग्रामर पढ़ी हो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी हम बैंकिंग में पढ़ते हैं बट डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा उसकी स्पीड तेज़ होती है बिकॉज जितना डिटेलिंग में वहाँ पे जरूरत है उतनी बैंकिंग में जरूरत है नहीं यहाँ ज़्यादातर क्वेश्चन जैसे वो और कॉम्प्रहेंशन वाले एरिया से पूछे जाते हैं बैंकिंग के कई सॉरी ग्रामर के पोर्शन से कई बार नहीं भी मिलता है क्वेश्चन लेकिन ये नहीं कहा जा रहा कि आता नहीं मैं पढ़ाता भी हूँ बैंकिंग स्पेशल बैच में करीब अभी जो पिछला बैच है उसमें भी तीन सप्ताह ग्रामर का ही पोर्शन चलता रहा जबकि इतना वेटेज कहीं नहीं दिया जाता लेकिन मैं इसीलिए पूरा टॉपिक पढ़ाता हूँ आपको हम ग्रामर में रूल रूल की बात नहीं करते इस बैच में तो वो तो आपको बैच में मिलेगा वहाँ पर ठीक है बाकी वी भी अवेलेबल है आपकी इच्छा है आप वहाँ से भी लेकर के चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं खुद से करने में थोड़ी मुश्किल होती है हम थोड़े आलसी होते हैं अदरवाइज़ खुद भी कर सकते हो भाई धनंजय कोई मुश्किल नहीं है कोई भी ग्रामर की किताब उठा लो रेन एंड मार्टिन हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर रेन एंड मार्टिन अपने आप से वादा कर लो कि भाई इस सात पार्ट ऑफ स्पीच है दो दो दिन लगाऊंगा तो पंद्रह दिन में खत्म हो जाता है बट वही है ना जब आपको कोई खाना बना के परोसता है जैसे मैं यहाँ परोसता हूँ तो फिर चीजें आसान लगती हैं तो वो भी च्वाइस है आपकी खुद की भी च्वाइस है चलिए सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन थैंक यू वेरी मच लेट्स कैपचप इन द नेक्स्ट सेशन ऑन मंडे थैंक यू